नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत होम्स। 3 BHK का फ्लैट लाया हूँ, कॉर्नर का एल टाइप का फ्लैट है। कागजों में 75 का, मौके पे 80 का से ऊपर का ही होगा। तो कहने का मतलब है, एल टाइप का फ्लैट का मतलब ये हो गया कि आपको फुल्ली वेंटिलेटेड फ्लैट है। 3 BHK का फ्लैट है, विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है। आपको रेजिडेंशियल का फ्लैट, रेजिडेंशियल एरिया में है, प्योर रेजिडेंशियल एरिया में है आपका ये फ्लैट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, रेजिडेंशियल एरिया में होने के बावजूद अगर हम बात करें कि मेन नजफगढ़ रोड से जो मेट्रो वाली लेन है उससे दूरी आई डोंट थिंक कि 50 मीटर से ज़्यादा होगा। तो आपको 50 मीटर से भी कम जगह, कम दूरी पे आपको रेजिडेंशियल एरिया में मैं एक एल टाइप का कॉर्नर फ्लैट आपको दिखाने जा रहा हूँ, 3 BHK का, जिसमें कि लिफ्ट है, कार पार्किंग है और ज़बरदस्त बना हुआ है। जहाँ तक हम लोकेशन की अगर बात करें तो इस फ्लैट का जो लोकेलिटी है या लोकेशन है, ये कह सकते हैं लोकेलिटी का नाम हुआ ओम विहार। लोकेशन उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के बिल्कुल ही लगा हुआ है। एग्जैक्ट अगर लैंडमार्क की अगर हम बात करते हैं तो इस बिल्डिंग का जो लोकेशन है बिल्कुल मेन रोड पे, जो आपको मग्गो हॉस्पिटल मिलता है उसका ठीक पीछे वाली गली है। यानी कि मेन रोड के बाद जो पहली गली आती है चौड़ी वाली, जो रेजिडेंशियल एरिया में आएगा, उसी जगह पे ये सिचुएटेड है। तो लोकेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैं बता दिया कि लोकेशन जो है, लोकेलिटी जो है वो ओम विहार का है और बिल्कुल ही नियर बाई मेट्रो का फ्लैट है। एल टाइप होने की वजह से आपको हर चीज़ यहाँ पे फुल्ली वेंटिलेटेड मिलेगा। कहने का मतलब है, अभी मैं वीडियो तो बना रहा हूँ रात में, लेकिन ये दिन में अगर आप आएंगे तो आपके तीनों बेडरूम, आपका किचन, ड्यूरिंग द डे आपको कहीं पे भी आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हवा हवाई फ्लैट है। और ये फ्लैट अभी हमने बिल्कुल ही सैंपल तैयार कर दिया है, जिसमें कि सोफ़ा वगैरह लगा मिलेगा, बेड वगैरह लगा मिलेगा। तो आपको एक बेनिफिट ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि कोई चीज़ रखने के बाद उस फ्लैट के अंदर में कितना स्पेस, उस रूम के अंदर में, उस पर्टिकुलर हॉल के अंदर में क्या स्पेस बन सकता है यूजेबल के, यूजबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम बता सकते हैं। तो आइए एक बढ़िया सा 3 BHK देखते हैं। बहुत दो दो किलोमीटर, डेढ़ डेढ़ किलोमीटर पे लोग अंदर जाके मकान ले रहे हैं। ये बिल्कुल ही पैदल के रास्ते पे आप लोगों को एक फ्लैट मिल रहा है, वो भी बिल्कुल ही नवादा मेट्रो और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो दोनों यहाँ से एकदम नज़दीक है। हालांकि ज़्यादा नज़दीक तो उत्तम नगर वेस्ट होगा, लेकिन लोकेशन जो है नवादा मेट्रो और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के बीच का ही पड़ता है। मेट्रो पिलर 706 के आसपास का ये लोकेशन है। कोई भी उत्तम नगर में आपका जानकार अगर रहता है तो उनको आप पूछ सकते हैं कि हाँ जी, मैं मग्गो के आसपास में अगर मैं घर ले रहा हूँ तो क्या वहाँ कोई तरह का दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं मिलेगा, बिजली, पानी, सीवर सब कुछ यहाँ पे अप टू डेट है आपका। चलिए अब फ्लैट दिखाते हैं। मैं जिस 3 BHK की बात कर रहा था वो 3 BHK यही है। ईस्ट वेस्ट की फेसिंग का प्लॉट भी है और ये फ्लैट भी है। फ्लैट जो है आपका सन फेसिंग का होगा ये। अगर आप इस फ्लैट के अंदर में, जैसे ये एंट्री है, इंटर करते ही आपको एन टाइप का प्रॉपर यहाँ पे हमने सोफा ऑलरेडी लगा रखा है, बीच में टेबल भी आपके पास में है और आराम से यहाँ पे 6-8 सीटर सोफा ये लगा हुआ है। आराम से इतने बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं। इस दीवार की अगर हम बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा साइज का आपके पास में टीवी पैनल लगा हुआ मिल रहा है, जिसका स्टोरेज है। साथ में यहाँ पे अभी शोकेस वगैरह के लिए भी आपके पास यहाँ पे जगह दी गई है। ये ओवरऑल जो एल टाइप है, ये एल टाइप का सोफा लगने के बावजूद, ये सारी चीज़ों के बावजूद, ये आपका ओवरऑल आपके पास में स्पेस जो बन रहा है, जो कि आपका हॉल के लिए बन रहा है। अगर हम इसकी दीवारों की बात करें, इससे तो मैंने बता दिया आपको टीवी पैनल है, तो इस साइड पे देखेंगे तो ऑफ वाइट का हमने पेंट किया हुआ है और वहीं इस दीवार पे आपको कुल्टिंग का बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। कुल्टिंग का काम है, ग्लास का भी काम है और इसी दीवार पे आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग दे दी हुई है। तो स्प्लिट एसी आपका यहाँ पे आराम से लगता है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि इस एल टाइप को यूज करने के, मतलब एल टाइप का सोफा लगने के बाद, ये जगह पे आप टेबल रख सकते हो खाने के लिए। यहाँ पे आपका छोटा सा डाइनिंग टेबल यहाँ पे स्पेस में आ जाएगा। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है सामान रखने का,
ये तो हमने अभी रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप डाइनिंग का स्पेस आप इसको बना सकते हैं। अब आते हैं एक बार इसकी सीलिंग पे, एक बार सीलिंग दिखाइए, फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में सारी लाइट लगी हुई है और बहुत बिंदास लाइट लगा हुआ है, एक बार बढ़िया से दिखाना भैया। साथ ही आपको इसमें पंखे वगैरह सब कुछ आपको लगा के ही दे रहे हैं। अब मैं आपको एक बार नक्शा समझा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जब हम हॉल में हम लोग इंटर करते हैं तो हॉल में इंटर करने के बाद आपको सामने में किचन दिखेगा जो बालकनी की तरफ ही है, उसकी विंडो उस साइड में। ये एक बेडरूम है, इसके साथ में आपका ऑलरेडी एक बालकनी आएगा और दो बेडरूम उस साइड में है जो कि दोनों के दोनों बालकनी के साइड में होंगे। कहने का मतलब है कि सारे के सारे रूम आपको फुली वेंटिलेटेड है। अब हॉल से लगा हुआ मैं आपको किचन दिखाता हूँ। किचन जो है वो थ्री साइड है आप देख रहे हैं और मॉडुलर किचन है, चिमनी वगैरह हमने लगा ऑलरेडी दी है आपकी। आपको एक एक जगह का प्रॉपर यूटिलाइज किया हुआ है। मॉडुलर किचन होने की वजह से आपको चीजें हर चीज इसमें अप टू डेट मिलेगी। चिमनी यहाँ पे ऑलरेडी आपको लगा दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर मतलब स्पेस का कमी नहीं है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे आपको पेंट्री भी दी है, यहाँ पे आपको पेंट्री आ रहा है। ये आपका वॉशिंग एरिया हो गया, यहाँ पे आपका आरओ लग जाएगा। लाइट के साथ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीलिंग में भी लाइट दी गई है, साथ ही साथ एक हैंगिंग लाइट आपको लगा दिया गया जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये आपका ये बालकनी की तरफ का है, रात है तो मैं आपको इसलिए उतना आपको ये कह रहा हूँ, ये बालकनी है पीछे साइड में। ये आपको ओवरऑल मैंने किचन दिखाया। अब मैं आपको पहले बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला बेडरूम है, बेड लगा हुआ है तो हमें स्पेस बताने में दिक्कत नहीं होगी और वो भी फुल साइज का बेड है। बेड लगा मिल रहा है आपको, पीछे में वुडन का काम कंप्लीट है, आपके पास फ्रेमिंग का काम किया हुआ मिल रहा है आपको। और वहीं इस दीवार पे अगर बात करेंगे तो आपको जो है टीवी पैनल के लिए टीवी पैनल बना हुआ है। टीवी यहाँ पे लगने के बाद आपके पास स्पेस भी साथ में यहाँ पे दी हुई है। इस बेडरूम में हमने यहाँ पे स्लीप एसी की फिटिंग करी हुई है। ऑल दो ये जो रूम है ये बालकनी की तरफ आ रहा है, ये हमारा बालकनी का स्पेस है। रात होने की वजह से मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बालकनी है। इस साइड में सर्विस लेन है, मेन गली की तरफ का बालकनी बड़ा है लेकिन नेचुरल लाइट में है, कहने का मतलब यह है कि नेचुरल लाइट में है। और ये जो खिड़की आप देख रहे हैं ये भी नेचुरल लाइट में है, तो दिन में आपको इस घर में लाइट नहीं जलाना पड़ेगा। एक लाइट का जहाँ तक बात करेंगे सारा का सारा बॉल्कनी में ही लाइट कंप्लीट मिल रहा है आपको, और साथ ही साथ आपको इसमें पंखे लगे हुए मिलेंगे। आइए अब आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको बाकी का दो बेडरूम दिखाता हूँ और टॉयलेट दिखाता हूँ, एक कॉमन वाला जो अटैच टॉयलेट जो है वो मास्टर बेडरूम में होगा। सबसे पहले मैं टॉयलेट दिखा देता हूँ, ये दोनों बेडरूम के साथ में बालकनी है, तो पहले टॉयलेट दिखाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है और स्पेसियस कॉमन टॉयलेट है। वॉल हैंगिंग सीट आपको लगी हुई मिल रही है, डाइवर्टर लगा हुआ मिल रहा है आपको, शावर है इधर, वॉश बेसिन हो गया आपका, एग्जॉस्ट के लिए वो जगह छोड़ा हुआ है, सामने में पीछे बालकनी है, यहाँ पे गीजर आपका लग जाएगा, गीजर की फिटिंग हुई पड़ी है और वॉल टू वॉल आपको टाइल अच्छी क्वालिटी की टाइल लगी हुई मिल रही है और अच्छा स्पेस दिख रहा है मुझे कॉमन टॉयलेट के अंदर में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम में जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। दूसरे बेडरूम में आप इंटर करते हैं, आप देखेंगे हॉल, ये बेड लगे, बेड बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ देखा जाए तो अच्छा लग रहा है। कॉम्बिनेशन वाइज अगर देखेंगे तो ये बेड जो है फुल साइज का बेड है
और इसके पीछे की जो दीवार है उस पर बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। आपके पास में वुडन का काम है, आपके पास में यहाँ पे ग्लास का काम है, पैनलिंग का काम है और उस साइड में आपको टेंट है, यानी कि चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ दिख रहा है और इस बेड के उल्टिंग के साथ में ये बड़ा अच्छा खूबसूरत मैच कर रहा है। देखा जाए तो बेड पे ही लगा हुआ आपको यहाँ पे हम आपको एक अलमीरा दे रहे हैं आपको, जो कि ऊपर से नीचे तक स्लाइडिंग वाला अलमीरा है आपके पास में, तो स्टोरेज का कोई दिक्कत नहीं है आपको। और साथ में इस अलमीरा के साथ में ये आपका जो है कुछ भी आप डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे रखने के लिए आपके पास में स्टोर मिल जाता है। देखा जाए तो हॉल सीलिंग का काम, जो लाइट वर्क है खाना का सारा अगेन हॉल सीलिंग में ही है और हॉल सीलिंग अच्छा काम किया हुआ है, वेल डिजाइन है, न्यूली स्टाइल का डिजाइन जो दिख रहा है। बाकी जितनी भी दीवार है सब पे ऑफ वाइट कलर का इसमें पेंट किया हुआ है। अब मैं आपको अटैच टॉयलेट की तरफ लेके चलता हूँ। अटैच टॉयलेट की सबसे बड़ी खासियत ये लगी मुझे घुसते ही कि ये कॉमन टॉयलेट से ये बड़ा है, जनरली होता नहीं है। आप देखिए ये आपका टॉयलेट की सीट यहाँ पे लगा हुआ है, ये डाइवर्टर लगा हुआ है, शावर और ये वॉश बेसिन और स्पेस जो है ना नहाने वगैरह के लिए, ये मुझे कॉमन टॉयलेट से भी ये बड़ा दिख रहा है। कहने का मतलब है जिनको अटैच टॉयलेट बड़ा चाहिए उनको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही खूबसूरत टाइल का यूज़ किया गया है, वॉल टू वॉल टाइल लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन में है और अच्छा लग रहा है। लाइट सारा सीलिंग में ही है और आपका एग्जॉस्ट के लिए बाहर में विंडो एक छोटा सा दिया हुआ है। जहाँ तक एसी की फिटिंग की बात है, विंडो एसी के लिए यहाँ पे फिटिंग ऑलरेडी की हुई है, आपका विंडो एसी आराम से यहाँ पे लगता है। और अब हम चलते हैं बालकनी की तरफ और ये वॉल का नीचे ही दरवाजे पे ग्लास का दरवाजा है, यूपीवीसी का है। और अब हम आगे इधर बालकनी की तरफ, मैं इधर से इसलिए लेकर आया आपको कि बालकनी से ही घर भी थोड़ा ज़्यादा है, बालकनी से ही दोनों रूम का एक्सेस है, तो मैं आपको इजीयर से ही आपको तीसरे बेडरूम में लेके चलूँगा। थोड़ा समझने में आपको नक्शे में समझ में आ जाएगा, इसलिए हम यूँ इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से जैसे आप निकलेंगे ये आपका वॉशिंग एरिया का एरिया आ गया, आपके पास टैप लगा मिल रहा है, यहाँ पे पावर का पॉइंट हमने दिया हुआ है, बालकनी में हर तरफ आपको टाइल लगा मिल रहा है। और अब हम आपको बालकनी दिखाते हैं, इधर बालकनी के बाहर में ये बिल्कुल प्योर रेजिडेंशियल एरिया है, बनी के दिखाई देगा प्योर रेजिडेंशियल एरिया है। आपके घर से आगे में बढ़िया सा पौध पेड़ लगा हुआ है, हरा भरा माहौल दिख रहा है आपको। और अब हम इधर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम अपने तीसरे बेडरूम में। आप गौर करिएगा जो बालकनी में दोनों दरवाजे जो आपके लगे हुए हैं ये यूपीवीसी के लगे हुए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ट्रांसपेरेंट है, देखने में अच्छा भी लगेगा, कई लोगों को लुक वाइज भी अच्छा होता है और मजबूती में कोई कमी नहीं होती, मजबूती अच्छा होता है। तो ये हमारा जो तीसरा बेडरूम है, अगेन इसमें घुसते ही आपको क्या दिख रहा है, बेड लगने के बाद बेड के दोनों तरफ आप यूँ समझ लीजिए बेड के दोनों तरफ आपके पास इनफ स्पेस है और बेड के इस दीवार की बात अगर करेंगे तो वुडन का काम के साथ साथ आपको पैनलिंग का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन किया गया है। कहने का मतलब इस पूरी दीवार को तरीके से सजा दिया गया है, आपको एक हिसाब से लगा मतलब तो किसी भी वॉलपेपर से टेक्सचर से ये फार बेटर और खूबसूरत लग रहा है। वही इसमें भी हमने आपको स्लाइडिंग का ये दिया, स्लाइडिंग वाला आपको अलमीरा मिल रहा है, ये लॉक है अभी तो मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक आपका जो है ये अलमीरा आपको लगा हुआ मिल रहा है। और बेड के ठीक सामने वाली दीवार से आपको टीवी पैनल मिल रहा है, बड़ा टीवी पैनल है आपका, बड़ा से बड़ा टीवी बीच पे आ जाएगा। जहाँ तक लाइट का काम अगर बात करें ना तो लाइट सारी की सारी अगेन सीलिंग में ही लगी हुई है, फॉल सीलिंग की डिज़ाइन हर कमरे में अलग है, हॉल में अलग है, बिल्कुल ही न्यू स्टाइल का है सारा, ठीक है। तो लाइट पर मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा वो पूरी, और बाकी आपको पंखे वगैरह लगे मिल ही रहे हैं। तो ये मैंने एल टाइप का खूबसूरत 3 BHK फ्लैट आपको दिखाया है,
जो उत्तम नगर रेस्ट मेट्रो के पास है। कई ऐसे ग्राहक हैं जो कहते हैं कि मुझे नवादा नहीं जाना, मुझे द्वारका मोड़ नहीं जाना, मुझे मोहन गार्डन नहीं जाना। कहने का मतलब है मोहन गार्डन नहीं जाना या वो अंदर नहीं जाना कुल मिला के। तो जिनको मेन रोड पे रहना है उनके लिए परफेक्ट फ्लैट है और रिजनेबल रेट का फ्लैट है। रेट के हिसाब से भी बिल्कुल रिजनेबल रेट का फ्लैट है। आपको आराम से 90% तक इस फ्लैट के अंदर में होम लोन मिलेगा। आपको लिफ्ट है, कार पार्किंग है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि लोकेशन उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के नियर का है। 50 मीटर की दूरी भी मेन रोड से नहीं है। कॉर्नर फ्लैट मिल रहा है, रजिस्ट्री कराया, रजिस्ट्री का है, फ्री होल्ड है। आपको लिफ्ट भी की फैसिलिटी है, कार पार्किंग की फैसिलिटी है, पानी बिजली सब कुछ इसमें कंप्लीट किया हुआ फ्लैट मिलेगा। आप आएंगे, देखेंगे और लेके जाएंगे। बस इतना मेरा अपना कॉन्फिडेंस कहता है कि जब मुझे अच्छा लग रहा है होपफुली आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों के चॉइस से ही ये बिल्डिंग बनता है और आप लोगों के चॉइस के हिसाब से ही बनता है बेसिकली। तो होपफुली ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट इस वीडियो पर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।